नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मीठड़ी से, जहां कस्बे के लिचाना रोड स्थित वादीपीठ मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव व रसिक मूर्ति सुखराम दास महाराज के 59वें धाम गमनोत्सव के तहत वादीपीठाधीश्वर महंत रेवतीरमण दास महाराज के पावन सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वादीपीठ परिकर अंबिका शरण दादीश ने बताया कि जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का आवागमन भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही कस्बे सहित आसपास के संतों महंतों का भी आवागमन शुरू हो चुका है। आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 4थे दिन कथावाचक गुरु माँ चैतन्य मीरा की सुमधुर वाणी में ध्रुव चरित्र राजा बलि वामन प्रसंग की चर्चा करते हुए कथामृत का भक्तों को रसपान कराया। कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में 4 राक्षस रहे हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में कंस और कलयुग में अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जो मनुष्य कलयुगी राक्षसों से बचकर भगवान का जप, तप, पाठ, पूजा व स्मरण करेगा, वही भगवान के प्रति समर्पित हो सकेगा। श्री कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पंडाल को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। जन्मोत्सव पर चॉकलेट, खिलौने, केक आदि को प्रसाद के स्वरूप वितरण किया गया। बधाई गायन भी किया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सहित आदि बधाई गीत गाए गए। मीठड़ी से श्याम सुंदर प्रजापत की विशेष रिपोर्ट।